हेलो फ्रेंड्स तो एम ई एस ट्वेल्व का यूनिट वन का वन शॉर्ट वीडियो हमने कवर कर लिया था तो इसमें हम यूनिट टू देखेंगे जो है एजुकेशन एज अ फील्ड ऑफ नॉलेज इसमें हम देखेंगे एजुकेशन कैसे एक नॉलेज का फील्ड है तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ह्यूमन नॉलेज कैसे एक की फोकस रहा है फिलोसोफर्स के लिए जो कि एक ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी को क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी तो एपिस्टेमोलॉजी किसके साथ डील करता है ह्यूमन नॉलेज के साथ डील करता है एपिस्टेमोलॉजी डील्स विथ क्वेश्चन अबाउट नेचर सोर्सेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है नेचर क्या है और सोर्स क्या है कहाँ से हमें नॉलेज मिलता है ये सब चीज़ों के ऊपर कौन फोकस करता है ह्यूमन नॉलेज का जो ब्रांच है फिलोसोफी का जिसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी वो फोकस करता है एपिस्टेमोलॉजी लोजी मतलब वो आता है लोगस वर्ड से जिसका नाम है स्टडी ठीक है एपिस्टेम स्टेम मतलब नॉलेज तो नॉलेज को स्टडी करने का जो ब्रांच है इसको हम कहेंगे एपिस्टेमोलॉजी जो ह्यूमन नॉलेज को स्टडी करता है नॉलेज का नेचर सोर्सेस एंड उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी ये जो थियोरी एंड प्रैक्टिसेस है उसको इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है उसको समझने में मदद करता है कौन से थियोरीज कौन से प्रैक्टिस एजुकेशन के लिए क्रूशियल हो सकते हैं उसको इन्फ्लुएंस करने में जो एपिस्टेमोलॉजी है ये मदद करता है ठीक है तो की क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होके आता है कि एजुकेशन जो है ये एक साइंस है या एक आर्ट है एजुकेशनल थियोरीज जो है ये साइंटिफिक थियोरीज से कैसे अलग है तो इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करेंगे नॉलेज के फॉर्म्स को कॉन्सेप्ट को स्ट्रक्चर को एज़ वेल एजुकेशन के स्टेटस को और एट्रीब्यूट को एज ए डिसिप्लिन हम कवर करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम हमने देखा कि एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जो कि ह्यूमन नॉलेज के नेचर सोर्स एंड स्ट्रक्चर को स्टडी करता है और अंडरस्टैंडिंग करता है थियोरी एंड प्रैक्टिसेस को जो कि हमारे एजुकेशन के लिए क्रूशियल है ये क्वेश्चन देता है कि एजुकेशन एक साइंस है या आर्ट है इसको आइडेंटिफाई करना है और एजुकेशनल थियोरीज जो है ये साइंटिफिक थियोरीज से कैसे अलग है एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन इसका क्या स्टेटस है तो इन सब के बारे में हम इसमें इस चैप्टर में इस यूनिट में, में हम डिस्कस करेंगे तो इस यूनिट को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें हम नॉलेज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाएंगे और डिसिप्लिन का जो स्ट्रक्चर है एक्सप्लन कर पाएंगे उसके साथ साथ हम उस जो नॉलेज है उसको हम करिकुलम डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है और नेचर है उसको हम समझ पाएंगे फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिफ्रेंश करेंगे कुछ बेसिक एंड अप्लाइड डिसिप्लिन को अनालाइज़ करेंगे एजुकेशन का स्टेटस क्या है एज ए डिसप्लिन अदर डिसिप्लिनस uh, का रोल क्या है एजुकेशन में उसका उसको हम डिस्कस करेंगे और क्या क्राइटेरिया है एजुकेटिव प्रोसेस का उसको भी डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन करेंगे कॉग्नेटिव एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एजुकेशन का उसको हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन से तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हम नेचर ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन नॉलेज और डिसिप्लिन का क्या नेचर होता है नॉलेज क्या है ये एक ह्यूमन इंटरेक्शंस का सम है किसके साथ एनवायरमेंट के साथ और उसी का इंटरप्रिटेशन हम मान के चलते हैं हम एनवायरनमेंट को देखते हैं हम उसको समझते कैसे हैं उसका जो डाइवर्स नेचर है उसको हम कैसे समझते हैं इसी के ऊपर आता है हमारा डिफरेंट अप्रोचेस आता है और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आता है काफ़ी सारे डिसप्लिन आते हैं और नॉलेज का फॉर्म्स आता है उसका मीनिंग आता है तो नॉलेज इन अ ब्रॉडर टर्म कह सकते हैं कि ये ह्यूमन इंटरेक्शंस का सम है किसके साथ एनवायरमेंट के साथ, साथ जिससे काफ़ी हमारा जो डाइवर्सिटी है हम उसको समझ पाते हैं ठीक डिसिप्लिन क्या है ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है विथ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि कंसिस्ट करता है कॉन्सेप्ट्स एंड जनरलाइजेशनस को और उसको हम रिलेशन अमंग फैक्ट्स फैक्ट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको भी हम जनरलाइज कर पाते हैं इट हैज़ ए डोमेन सब्जेक्ट मैटर मेथड एंड ट्रेडिशन हर एक डिसिप्लिन का एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है और उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है ये कंसिस्ट करता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को कुछ जनरलाइजेशन को जिसको हम फैक्ट्स के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं इसका कुछ सब्जेक्ट मैटर होता है मेथड होता है और इसका ट्रेडिशंस होते हैं डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर क्या है नेक्स्ट देखते हैं डिसिप्लिन के स्ट्रक्चर के बारे में डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर क्या है तो हर एक डिसिप्लिन का एक डोमेन होता है कुछ स्ट्रक्चर होता है सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर होता है और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर होता है तो डोमेन क्या है स्पेसिफिक तो फील्ड में और एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी द डिसिप्लिन एड्रेसेस। एक जो स्पेसिफिक फील्ड है वो किस चीज़ को एड्रेस uh, कर रहा है या कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है वो चाहे हो सकता है साइंटिफिकल हो या फिर लॉजिकल हो तो उसको हम कहेंगे कि डोमेन है वो कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा वो फोकस करता है वो उसका डोमेन है उस डिसिप्लिन का सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर किसको कहेंगे एक पावरफुल आइडियाज़ का जो कलेक्शन है जो कि उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के रिसर्च को गाइड करता है उसको हम कहेंगे सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर वहीं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे वो मेथड्स या वो रीजनिंग प्रोसेसेस जो कि नॉलेज को डेवलप करने में और वैलिडेट करने में मदद करता है उस डिसिप्लिन का उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर तो डोमेन क्या है डोमेन वह है जो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन जिस चीज़ों को एड्रेस करता है वो साइंटिफिक हो या लॉजिकल हो वो कौन सी चीज़ों को एड्रेस करता है उसको हम कहेंगे डोमेन सबस्टेंटिव स्ट्रक्चर किसको कहेंगे ये एक कलेक्शन होता है पावरफुल आइडियाज़ का जो कि हमारे फ़र्दर रिसर्च को गाइड करने के लिए मदद करता है उसको हम कहेंगे सब्सटैंडव स्ट्रक्चर वहीं सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे कुछ मेथड्स है और रीजनिंग प्रोसेसेस हैं जिससे हम नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं एक डिसिप्लिन के अंदर उसको हम कहेंगे सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर तो डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर क्या है डोमेन है सबस्टेंटिव स्ट्रक्चर है और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर है इसमें नॉलेज का प्रोडक्शन कैसे होता है जनरेटेड बाई डिसिप्लिन थ्रू सोशल स्ट्रक्चर्स इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करता है ग्रुप असैसमेंट को इन्वॉल्व करता है साइकोलॉजिकल सोशोलॉजिकल लॉजिकल फैक्टर्स को ये शेप करता है डिसिप्लिन तो नॉलेज प्रोडक्शन इसमें कैसे होता है डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को ग्रुप असेसमेंट करके ये सब कुछ करके इसमें नॉलेज का प्रोडक्शन होता है डिसिप्लिन कैसे शेप किया जाता है साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल लॉजिकल फैक्टर सबको ध्यान में रखते हुए हर एक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा जो डिसिप्लिन है उसमें नॉलेज का प्रोडक्शन होता है और डिसिप्लिन को शेप किया जाता है नॉलेज के कैटेगरीज़ क्या क्या हैं तो नॉलेज के टाइप्स में हमने प्रोपोजिशनल नॉलेज और प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में पहले यूनिट में पढ़ा है प्रोपोजिशनल नॉलेज जो कि नॉलेज दैट नोइंग दैट के ऊपर फोकस है और प्रोसीजरल नॉलेज जो कि नॉलेज हाउ मतलब नोइंग हाउ के ऊपर फोकस्ड है प्रोसीजरल नॉलेज प्रोसेसेस पे ध्यान देता है कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करके चीज़ें सीखेंगे या फिर ये मान सकते हैं कि स्किल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और प्रोपोजिशनल नॉलेज वो है जो स्किल के पीछे का जो नॉलेज है उसको गेन करने में हमें मदद करता है तो फैक्ट्स को सीखना फैक्ट्स को समझना और इनडेप्थ उसका अंडरस्टैंडिंग लेना ये ये हमारा प्रोपोजिशनल नॉलेज होता है प्रोसीजरल नॉलेज हम कैसे सीख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है और प्रोपोजिशनल नॉलेज हम क्या सीखते हैं और कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसके ऊपर उसको हम प्रपोजिशनल नॉलेज कहते हैं डायरेक्ट नॉलेज क्या है डायरेक्ट नॉलेज वो है जो नॉलेज ऑफ पर्सनस और वंस ओन मेंटल स्टेट यानी कि हम जो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं उसी को हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट नॉलेज है हम खुद से ये चीज़ें सीख रहे हैं कोई चीज़ देख कर सीख रहे हैं या अपनी एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं ठीक तो यहाँ आता है प्रोपोजिशनल नॉलेज प्रोपोजिशनल नॉलेज फोकस करता है स्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्कशंस पे फोकस करता है जो कि क्लासीफाइड है कुछ ऐसा एनालिटिकल प्रोपोजिशंस सिंथेटिक प्रोपोजिशंस ए प्रायरी प्रोपोजिशंस एंड ए पोस्टेरियरी प्रोपोजिशंस अब ये क्या है तो प्रोपोजिशनल नॉलेज में जो आ, डिस्कशंस होते हैं ये फोकस करता है स्ट्रक्चर रिलेटेड डिस्कशंस पे जो कि चार तरह से क्लासिफाइड है एनालिटिक प्रोपोजिशंस एनालिटिक एनालिटिक प्रोपोजिशंस मतलब जो कि वर्ड का जो मीनिंग है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि बैचलर्स आर अनमेरिड तो बैचलर्स बैचलर्स हम किसको बोलते हैं जो अनमेरिड है उन्हीं को हम बैचलर्स कह देते हैं ठीक है जो अनमेरिड है उन्हीं को हम बैचलर्स कह देते हैं तो ये जो बैचलर्स जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है वही हमारा एनालिटिक प्रपोजिशंस में है उसी को अंडरस्टैंड करना एनालिटिक प्रपोजिशन में कहा जाएगा तो सिंथेटिक प्रोपोजिशन क्या है अब सिंथेटिक प्रोपोजिशन जो है ये बेस्ट होता है फैक्चुअल कंटेंट के ऊपर जैसे कि कोई फैक्ट हो गया अब एग्जांपल के अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर जो एन एसियल है ये क्या करता है वाटर में डिजोल्व करता है ये हम सभी को पता है तभी तो हमारा सॉल्ट घुल जाता है वाटर में है ना तो वो डिजोल्व करता है तो सिंथेटिक प्रोपोजिशन वो होता है जो फैक्टुअल फैक्चुअल कंटेंट पर फोकस करता है वहीं एनालिटिक प्रोपोजिशन क्या करता है वर्ड्स पे फोकस करता है और सिंथेटिक प्रोपोजिशन क्या करता है फैक्चुअल कंटेंट पे फोकस करता है वही ए प्रायरी प्रोपोजिशन क्या करता है ए प्रायरी प्रोपोजिशन हम उसको बोलेंगे जो कि प्योर रीजनिंग पे बेस्ड हो कोई एक्सपीरियंस ना हो विदाउट एनी एक्सपीरियंस अगर कोई चीज़ हम प्योर रीजनिंग के बेसिस पर एक्सेप्ट uh, करते हैं तो उसको हम कहेंगे ए प्रायोरी प्रोपोजिशंस विदाउट कोई एक्सपीरियंस हम अगर सिर्फ रीजनिंग को लेकर के रीजनिंग को लेकर के अगर हम कोई चीज़ कोई आ, 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 क्या कह सकते हैं कुछ डिसीजन uh, में पहुंच रहे हैं कोई कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ए प्रायरी प्रपोजिशंस ए पोस्टेरियरी प्रपोजिशंस किसे बोलेंगे जो कि वेरीफाइबल हो एम्पेरिकल हो जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें जिसको हम वेरीफाई कर सकें जिसको हम वेरीफाई कर सकें जिसको हम ऑब्ज़र्व कर सकें उसको हम कहेंगे ए पोस्टेरियरी प्रपोजिशंस। तो प्रोपोजिशनल नॉलेज को चार तरह से हमने देखा एनालिटिक प्रपोजिशंस जो कि वर्ड्स पर बेस्ड है सिंथेटिक प्रोपोजिशन जो कि फैक्चुअल कंटेंट पर बेस्ड है प्रायोरी प्रोपोजिशन जो कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस सिर्फ रीजनिंग पे बेस्ड है और पोस्टेरियरी प्रोपोजिशन जो कि एम्पेरिकल है ऑब्जर्वेशन है और वेरिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करी जाती है उसको पोस्टेरियर प्रोपोजिशंस कहते हैं अभी देखते हैं हर्स्ट थियोरी क्या है जो हर्स्ट थियोरी है हर्स्ट है ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नॉलेज है इसको हम सात तरीके से लॉजिकली इसको हम डिवाइड कर सकते हैं मतलब इसका सात लॉजिकल डिस्टिंक्ट फॉर्म है ईच विथ यूनिक कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ट्रूथ क्राइटेरिया हर एक का यूनिक कॉन्सेप्ट है लॉजिकल स्ट्रक्चर है और उसके कुछ ट्रूथ क्राइटेरियाज हैं पहला है फॉर्मल लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, सेकेंड इज़ फिजिकल साइंसेस, ह्यूमन साइंसेस, मोरल अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस नॉलेज फिलोसफी एंड एस्थेटिक्स पहला है फॉर्मल लॉजिक एंड मैथमेटिक्स, देन फ़िजिकल साइंसेस, ह्यूमन साइंसेस, मोरल अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस नॉलेज फिलोसफी एंड एस्थेटिक्स तो हर्स्ट के हिसाब से जो ह्यूमन नॉलेज है इसको हम लॉजिकली सात डिस्टिंक्ट फॉर्म में कह सकते हैं जिनका हर एक का यूनिक कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ट्रूथ क्राइटेरिया होते हैं टाइपोलॉजी ऑफ फॉर्म्स ऑफ नॉलेज और डिसिप्लिन टाइपोलॉजी क्या है बेसिक डिसिप्लिन क्या है जब डिसिप्लिन पहले क्या है डिसिप्लिन होता है कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ लर्निंग है विथ द स्पेसिफिक ट्रूथ क्राइटेरियन एंड मेथोडोलॉजी ट्रूथ क्या है सच क्या है इसको uh, मतलब उसको जानने का कुछ उसका क्राइटेरिया होगा और उसका कुछ मेथड होगा और वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग होगा उसी को हम कहेंगे डिसिप्लिन तो बेसिक डिसिप्लिन में हम देखते हैं मैथमेटिक्स साइंस ह्यूमन साइंसेस फिलासफी एंड ऑल तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो ट्रूथ है उसको हम टेस्ट करते हैं थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग ठीक विद इन एन एक्स्यूम सिस्टम एक सिस्टम के अंदर हम उसको टेस्ट करते हैं डिडक्टिवली उसको डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू उसको हम टेस्ट करते हैं वहीं साइंस में अगर हम देखें तो एम्पीरिकल जो साइंस है ये ये हम ये हम मान सकते हैं कि एम्पीरिकल है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसका कंक्लूजन तक हम पहुंच सकते हैं तो ये इसका ट्रुथ क्राइटेरियन है तो मैथमेटिक्स का ट्रुथ क्राइटेरियन हम मान सकते हैं कि मैथमेटिक्स को हम डिडक्टिवली डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को टेस्ट करके उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं वहीं साइंस में हम ट्रूथ क्राइटेरियन ऑब्जर्वेशन को मारेंगे ऑब्जर्वेशन को मानेंगे जिसको हम एम्पेरिकली प्रूफ कर सकते हैं वहीं ह्यूमन साइंस को अगर देखें तो ये फोकस करता है ह्यूमन माइंड के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उसके रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करता है जो कि जनरली सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी ये सब चीज़ें ह्यूमन साइंसेस में आते हैं वहीं फ़िलोसफी जो है ये हर साइंस का मदर इसको कहा जाता है मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस इसको कहा जाता है इसका विथ यूनिक इिड्यूसबल कॉन्सेप्ट क्लेम्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटस जो इसका इंडिपेंडेंट स्टेटस का क्लेम है इसको भी कंसिडर करा जाता है और ये मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस कहलाता है तो हर्स्ट का जो कैटेगराइजेशन है इसका कुछ क्रिटिसिज्म है सोशियोलॉजिस्ट ऑफ नॉलेज नॉलेज सोशलॉजिस्ट कहते हैं ये डिसएग्री करते हैं विथ एक्सप्लेनिंग नॉलेज प्योरली थ्रू एपिस्टेमोलॉजी विदाउट कंसिडरिंग सोशल इन्फ्लुएंसेस जो सोशलॉजिस्ट है ये कहते हैं कि नॉलेज uh, को प्योरली सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर बेस्ड करके सोचना या एक्सप्लेन करना ये सही नहीं है ये कहते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंसेस को भी नज़र में रखनी चाहिए हर्स्ट का और क्या क्रिटिक है ये एक्सेसिव फोकस ये करते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर और कैटेगराइजेशन ऑफ आर्ट मोरल रिलीजन इन सब का जो प्रोपोजिशनल नॉलेज है इसको आर्ट मोरल एंड रिलीजन को ये प्रोपोजिशनल नॉलेज मानते हैं जो कि इनके क्रिटिक्स नहीं मानते हैं कुछ फॉर्म्स फ़िलोसफी uh, और जो एथिक्स रिलीजन वगैरह हैं इसको भी टू एब्स्ट्रैक्ट टू बी टट क्रिटिक्स कहते हैं कि जो फिलोसफी एस्थेटिक्स एंड रिलीजन है ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है पढ़ाने के नज़रिए में तो ये इनके क्रिटिक्स हैं कि ये एक्सेसिवली कॉग्निटिव एस्पेक्ट को एक्सेसिवली फोकस करते हैं और आर्ट आर्ट मोरल एंड जो रिलीजन है इसको भी प्रोपोजिशनल नॉलेज में लेते हैं कैटेगराइज करते हैं और फिलोसफी एथिक्स रिलीजन जो ये बोलते हैं डिसिप्लिन का ये सब काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है पढ़ाने के नज़रिए से तो ये कुछ इनके क्रिटिक्स हुए तो इनके क्रिटिक्स को डिफेंस देते हुए हर्स्ट क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो है इसको भी राइट टीचिंग स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाया जा सकता है जैसे कि लिबरल एजुकेशन जो है ये ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज को इंक्लूड करता है ये वेल राउंडेड करिकुलम इसमें होनी चाहिए सिर्फ नेरो स्पेशलाइजेशन इसमें नहीं होनी चाहिए लॉजिकल स्ट्रक्चर को हर सब्जेक्ट के लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना चाहिए सिर्फ फैक्ट्स को कलेक्ट करके उसको करिकुलम में ऐड करना ये ठीक नहीं होता हर स्टेप डिफेंस में कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको समझना चाहिए तो इसमें एपिस्टेमोलॉजिकल इंसाइट क्या है कि प्रोपोजिशनल नॉलेज को हम डिस्टिंक्ट डोमेन्स में कैटेगराइज कर सकते हैं करा जा सकता है लॉजिकल स्ट्रक्चर और एसेंशियल फॉर एजुकेशन एजुकेशन के एसेंशियलिटी के एसेंशियलिटीज को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपोलिशनल नॉलेज को कैटेगराइज करनी चाहिए फॉर्म्स ऑफ नॉलेज फॉर्म्स ऑफ नॉलेज में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हमारा डिसिप्लिनस है मैथमेटिक्स फ़िजिकल साइंसेस ह्यूमन साइंसेस हिस्ट्री रिलीजन वगैरह बहुत सारे हमारे डिसिप्लिन हैं वैसे फील्ड ऑफ नॉलेज की अगर बात करें तो थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल टू फील्ड्स ऑफ नॉलेजेस आर देयर जो कि मॉरल नॉलेज को इंक्लूड करता है प्रैक्टिकल थियोरटिकल नॉलेज में हमें मॉरल नॉलेज को भी इंक्लूड करते चलना चाहिए वहीं ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज की अगर बात करें तो टीचिंग के लिए नॉलेज को डिफ़रेंट फील्ड्स में हम डिफरेंट वैराइटीज में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हुए हैं दो इट इज़ रिकोगनाइज एज डिस्टिंग फॉर्म्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंसेस हर एक सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट एंड एक्सपीरियंसेस है उसके आ, उसको नज़र में रखते हुए टीचिंग के लिए हमने काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फील्ड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो ये है हर्स्ट का जो थियोरी है उनका जो फॉर्म्स ऑफ नॉलेज वो देते हैं कहते हैं कि फॉर्मल लॉजिक या मैथ्स जो है उसमें उसका जो कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए पिक आउट रिलेशन ऑफ ए जनरल एब्स्ट्रैक्ट काइंड और टेस्ट और ट्रूथ्स में इसमें डिडक्टिवलिटी होनी चाहिए रीजनिंग उसमें डिडक्टिव रीजनिंग में वो डिड्यूस करा जाना चाहिए ठीक फिजिकल साइंसेस का जो कॉन्सेप्ट है नेचर नेचर उसका कैसा होना चाहिए ये सेंसिबल वर्ल्ड के तरफ अल्टीमेटली यह होना चाहिए कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली रेफर टू द सेंसिबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन के टेस्ट होनी चाहिए ठीक ह्यूमन साइंसेस का वैसे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट अगर देखें तो इसमें बिलीविंग डिसाइडिंग ऐसा जो नॉलेज है इसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होनी चाहिए जजमेंट होना चाहिए अपने ओन स्टेट ऑफ नॉलेज से हम उसको जजमेंट कर सकें मॉरल अवेयरनेस एंड जजमेंट क्या ड्यूटी अपना है क्या आ, अपना सही क्या है गलत क्या है ये सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देनी चाहिए तो सीरियस क्लेम्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटस इन एस्थेटिक एक्सपीरियंस रिलीजियस एक्सपीरियंस एंड फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ये आप अपनी बुक से एक बार नज़र डाल सकते हैं देख सकते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ है ना कि आने वाला है आप बस एक ज़रा सा देख सकते हैं ताकि अगर इन केस आ भी जाता है कभी एग्ज़ाम में तो आपको छोड़ना ना पड़े और आप अटेंड कर पाएँ ठीक तो उनका जो साथ जो फॉर्म उन्होंने दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ये जो बॉक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो जो साथ है फॉर्म से उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आराम से वो अपने वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हर एक वर्ड को उसमें आपका काम हो जाएगा ठीक नेक्स्ट आते हैं हम अप्लाइड डिसिप्लिन पर ठीक अप्लाइड डिसिप्लिन में अप्लाइड एरियाज़ में हम देखते हैं कि ये जो बेसिक डिसिप्लिन का जो नॉलेज है उसी का प्रैक्टिकल परपजेस है जैसे कि बायो इंजीनियरिंग हो गया बायो टेक्नोलॉजी अप्लाइड फ़िजिक्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी मेडिकल साइंसेस ये सब जो बेसिक डिसिप्लिन है उसी का ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है अर्थ साइंसेस हो गया ठीक है इसमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है डिस्पाइट डिस्टिंग नॉलेज फॉर्म्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओफन इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज इन टू वेरिड फॉर्म्स तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को सीखने के लिए भी हमें उसको अलग अलग तरह से हमको वेराइटी ऑफ फील्ड्स में उसको डिवाइड करना पड़ा है टीचिंग के लिए हर एक चीज़ को हर एक डिसिप्लिन के साथ मिला के तो हम नहीं पढ़ सकते हैं ठीक है तो एक डिसिप्लिन को अच्छे से जानने के लिए उसी को इनडेप स्टडी करना पड़ेगा इसलिए हमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है तो इस तरह से हमारा जो स्पेशलाइजेशन से उसका इमर्जिंग हुआ है एज नॉलेज प्रोग्रेस नॉलेज जितना प्रोग्रेस करता चला जा रहा है उसी के हिसाब से हमारा जो स्पेशलाइजेशन से वो भी बेसिक डिसिप्लिन से चल के बहुत सारे हमारे ब्रॉड हो चुके हैं मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी क्या है और अप्रोचेस क्या है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, है? इसमें क्या होता है एक सिंगल डिसिप्लिन को कोर मान के चलते हैं सपोज हम मान के चल रहे हैं एजुकेशन ठीक है एजुकेशन एक कोर सब्जेक्ट हमने मान के चला पर इसमें हम सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं इसमें हम साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं इसमें हम फिलोसोफी भी पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं इसको एजुकेशन को हम कोर सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि जो अदर सब्जेक्ट है इसके जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अपनी सब्जेक्ट में इनकॉर्पोरेट uh, करके चलते हैं तो इसी को हम कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच वही मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या करता है ये कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करता है अदर जो डिफरेंट डिसिप्लिन हैं एक नया चीज़ क्रिएट uh, करने के लिए ये अदर डिसिप्लिन से कुछ कुछ चीज़ें कंबाइन करते चलता है फॉर इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ स्टडी एक नया फील्ड ऑफ स्टडी को निकालने के लिए यह क्या करता है काफ़ी सारे जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ों को ये लेके कंबाइन करता है कुछ न्यू बनाने के लिए इसको कहेंगे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जैसे कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम देखते हैं ये इंटीग्रेट करता है बायोलॉजी जोग्राफी जियोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री एजुकेशन हर चीज़ को ये इंक्लूड करते चलता है पॉपुलेशन एजुकेशन वैसे कंबाइन करता है बायोलॉजी इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी सोशोलॉजी जियोग्राफी इन सब को इंक्लूड करता है वैसे अदर एग्जाम्पल देखें तो होम इकोनॉमिक्स होम साइंस सोशल बायोलॉजी ये सब जो हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस से बने हुए डिसिप्लिन से जो कि अदर डिसिप्लिन से कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट करके बने हैं तो मल्टी नेचर कैसे है एजुकेशन का एजुकेशन ने काफ़ी सारे डिसिप्लिन से जैसे कि साइकोलॉजी सोशोलॉजी हिस्ट्री फिलोसफी इन सब से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इंकल्केट किया हुआ है अपने अंदर उसको लाया हुआ है जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें तो चाइल्ड का जो इंटेलिजेंस है ये साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का पार्ट है पर एज अ टीचर हमको इसको पढ़ना होता है ऑल्सो ये इंक्लूड करता है सोशोलॉजी को अल्सो इसके करिकुलम में हमें फिलोसॉफी भी मिलता है ठीक है तो सब फील्ड्स इंक्लूड फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन ये सब तो इस ये सभी तो हम पढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट में ठीक है तो एजुकेशन क्या है एक मल्टीप्लेनरी नेचर है एजुकेशन डिसिप्लिन का तो जो स्टैटस है एजुकेशन का हमारा जो एजुकेशन डिसिप्लिन है इसका स्टैटस क्या है इसका स्टैटस है एक मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर कहीं ना कहीं ओबियसली इंटर इंटरडिसिप्लिनरी भी एक्ट करता है ठीक है प्रैक्टिस वर्सेस थियोरी प्रैक्टिस व्यू क्या है थियोरिटिकल व्यू क्या है प्रैक्टिस व्यू यह है जो एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन जो ट्रेनिंग को इन्वॉल्व करता है एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करता है मास्टरी ऑफ स्किल्स को इन्वॉल्व करता है प्रैक्टिकल डिसिप्लिन जैसे कि मेडिसिन हो गया मेडिकल स्टडीज़ में जो हो गया वो सब जो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं वो सब प्रैक्टिस में चला जाता है इट डजन नेसेसरीली एम्प्लाई यूनिक थियोरिटिकल ब्रांच ऑफ नॉलेज ये एक थियोरिटिकल ब्रांच हो नॉलेज का इस ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि अगर उसमें ट्रेनिंग हो मास्टरी ऑफ स्किल्स हो तो उसको हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं वही थियोरिटिकल व्यू क्या है एजुकेशन को हम कंसिडर कर सकते हैं थियोरिटिकल डिसिप्लिन के हिसाब से क्योंकि इसका जो एम है ये ऑफर करता है एक कम अकाउंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस एंड फिनमिना ये स्टडी करता है जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी ये फोकस फोकस करता है देखिए हम थियोरिटिकली हम फ़िलोसफी को पढ़ते हैं जबकि हमको पता है कि फ़िलोसफी एक थियोरी प्रटिकल पार्ट है पर एजुकेशन में जब हम टीचिंग में आते हैं तो टीचिंग यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पार्ट बन जाता है स्किल्स का पार्ट बन जाता है ठीक है हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं कौन से मेथड्स को फॉलो करके पढ़ा रहे हैं ठीक है कौन सी एक्टिविटीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा अप्रोच हम ले रहे हैं ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम जो बी में सीखते आते हैं ये सब चीज़ें क्या है ये स्किल्स से डेवलप करता है ठीक है ये स्किल्स होता है तो ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है तो ये प्रैक्टिस भी हुआ एजुकेशन का वहीं थियोरेटिकल व्यू में हम काफ़ी सारे एजु काफ़ी सारे एजुकेशनल थियोरीज पढ़ते हैं फिलोसॉफिकल थियोरीज़ पढ़ते हैं वहाँ पे हम बहुत सारे फ़िलोसोफीज़ पढ़ते हैं फिर हमारे सोशल थियोरीज पढ़ते हैं हाँ सोशल थियरीज पढ़ते हैं और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल थियोरीज पढ़ते हैं काफ़ी सारे थ्योरीज पढ़ते हैं पर हर थियोरी का जो प्रोसेस हम उसके बिहाइंड में पढ़ते हैं कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को यूज़ करके हमने स्किल्स को डेवलप किया हुआ है काफ़ी सारे अप्रोचेस को डेवलप किए हुए हैं जो कि हम अपने क्लासरूम एनवायरमेंट में हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक तो एजुकेशन का जो स्टेटस है एज ए डिसिप्लिन ये आगे करता है एक यूनिक डिसिप्लिन के हिसाब से क्योंकि एजुकेशन इन्वॉल्व करता है अपने ओन कॉन्सेप्ट उसके पास है ओन प्रोसेस उसके पास हैं ओन प्रैक्टिस ओन थियोरीज उसके पास हैं तो इसीलिए इसको सजेस्ट किया जाता है एज ए डिसिप्लिन थियोरीटिकल डिसिप्लिन एम टू प्रोवाइड थियोरिटिकल डिसिप्लिन कुछ स्पेसिफिकल स्पेसिफिक रियाल्वस प्रोवाइड करता है वैसे एजुकेशन क्या करता है फिट दिस मॉडल इफ इट इनको ऑल सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स डोमेन अपने डोमेन का वो हर एक प्रिंसिपल को इनकॉम्पेस करता है उसके पास अपनी थियोरीस अपने कॉन्सेप्ट अपनी प्रोसेस प्रैक्टिसस हैं तो हम मान सकते हैं कि एजुकेशन एक यूनिक डिसिप्लिन है तो एजुकेशन का स्टेटस क्या है ये कुछ जगह पर इंटर डिसिप्लिनरी वर्क करेगा ठीक कुछ डिसिप्लिन में कुछ तरह से कहीं कहीं कुछ जगह पर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क करेगा ओवरऑल अगर देखें तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी है ओवर अगर देखें तो मल्टीडिसिप्लिनरी है उसके साथ साथ इसके पास अपने प्रैक्टिसेस, प्रोसेस एंड फील्ड ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसके बदलोत तो उसको हम एक यूनिक डिसिप्लिन भी मानेंगे ट्वेल्थ परस्पेक्टिव ऑफ़ एजुकेशन क्या है इसमें हम देखेंगे एक तो है लॉजिकल पर्सपेक्टिव है और एक जो है सोशल इस इसमें हम देखेंगे तो दो तरह का पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का एक है लॉजिकल पर्सपेक्टिव और एक है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो लॉजिकल पर्सपेक्टिव में आज भीतर कंपेयर करते हैं क्योरिंग रिफॉर्मिंग एजुकेटिंग क्या है क्योरिंग मतलब जो कि जो वर्ड हम यूज़ करते हैं सर्जरी एंड मेडिकेशन और मेडिकेशन फ़ॉर हेल्थ के लिए रिफॉर्मिंग क्या है टू इम्प्रूव मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करना और एजुकेटिंग क्या है कि डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ माइंड को डेवलप कराना नॉलेज को फोकस करना और अंडरस्टैंडिंग को फोकस करना ये होता है लॉजिकल पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू आर एस पीटर यहाँ पे एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ये वर्थ वाइल नॉलेज जो है जो चीज़ें सीखना चाहिए जानना चाहिए उसको ट्रांसमिट करता है ठीक है ये पास करता है जेनरेशन टू जनरेशन थ्रू कमिटेड लर्नर ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कराता है एजुकेशन एनहांस करता है हमारे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ इंफॉर्मेशन को ग्रास्प नहीं करता है हमारा हमारे जो नॉलेज है उसको ये डिपेंड करता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है वॉल्टरी पार्टिसिपेशन में हमको मदद करता है जो लर्नर्स से ये काफ़ी सारी चीज़ों में एंगेजमेंट पा सकते हैं काफ़ी सारे कोलेबरेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में ये एंगेज होने की कोशिश करते हैं एनवायरनमेंट में एंगेज होते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में एंगेज होते हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे वो वॉल्टरी पार्टिसिपेशन करते हैं तो यह है इसका लॉजिकल पर्सपेक्टिव इसमें एजुकेशन को अगर समझने की कोशिश करें तो बींग एजुकेटेड मीन्स कोई नॉलेज में मास्टरिंग हम कर रहे हैं थ्रू उसका जो प्रिंसिपल है उसका जो रिलेवेंस है उसको भी अच्छे से हम समझ रहे हैं एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स वांस आउटलुक एंड इन्वॉल्व कमिटमेंट टू द सब्जेक्ट मैटर एक सब्जेक्ट मैटर तक टूअर्ड्स एक सब्जेक्ट मैटर ये कमिटमेंट को भी इन्वॉल्व करता है एजुकेशन को एक इनिशिएशन की तरह भी लिया जाता है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जो सिर्फ स्किल एक्विशन नहीं उसके साथ साथ हमारा जो वैल्यूबल फॉर्म ऑफ लाइफ है उसको भी फोस्टर करने में वो भी मदद करता है ठीक प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन वो है जो कि हमारा जो डेवलपमेंटल जो माइंड है उसको ग्रेजुअली डेवलप कराता है जो अनडिफ्रेंशियटेड ब्रेन था माइंड था बच्चे का उसमें अवेयरनेस आता है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं तो वो चीज़ें उस तरह से इनिशिएट होता है एक इनिशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही चीज़ें हमारे ब्रेन में हमारे माइंड में डिफरेंशिएटेड होता है पब्लिक प्रोसीजर्स होते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं ठीक है जो इन्वॉल्व करता है लर्निंग थ्रू एस्टेब्लिशिंग मेथड्स फॉर एकूमलेटिंग क्रिटिकिंग एंड रिवाइजिंग नॉलेज जो भी चीज़ें हैं जो भी मेथड्स के जरिए हम चीज़ें सीख रहे हैं उसको हम एसमुलेट कर रहे हैं एकुमलेट कर रहे हैं हमारे दिमाग में क्रिटिक भी कर रहे हैं जहाँ पर किया जा सकता है और चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं नॉलेज को रिवाइज भी कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड uh, प्रोसीजर के थ्रू वहीं सोशल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन का रोल एक टूल के तरह आता है जो कि सोशल चेंज एंड इंटीग्रेशन में मदद करता है आ, उसके साथ साथ इंडिविजुअल ग्रोथ पे भी फोकस करता है जो कि विद इन द कम्युनिटी एंड फुलफिलिंग सोशल ऑब्लिगेशन सोशल ऑब्लिगेशंस को बढ़ावा देने के लिए भी ये मदद करता है सोशल फंक्शन को इम्प्रूव कराता है सोशल लिंक्स क्रिएट कराता है शेयर्ड रेफरेंसेस एंड वैल्यूज़ को के थ्रू सोशल लिंक्स जो है उसको क्रिएट कराता है कल्चर एंड वैल्यूज़ को ट्रांसमिट कराता है डाइवर्सिटी को ट्रांसफॉर्म कराता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है और सोशल कोहेशन में मदद करता है सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से एजुकेशनल एम की अगर बात करें तो ये सोशल लिंक्स इस्टेब्लिश करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कनेक्शन बनाता है सोशलाइजेशन कराता है सोसाइटल वैल्यूज़ कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसमिट कराता है सोशल एफिशिएंसी में मदद कराता है स्किल्स एंड एटीट्यूड जो कि सोसाइटी में अडाप्टेबल है इंटीग्रेशन एंड एडाप्टशन जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सिखाने के लिए हमें मदद करता है प्रैक्टिकल गोल्स क्या हो सकता है यहाँ पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन का प्रैक्टिकल गोल क्या हो सकता है तो एजुके एजुकेशन जो है ये क्या करता है ऑन देयर सोशल हेरिटेज एंड प्रोमोट सोशल कम्युनिकेशन सोशल कम्युनिकेशन कैसे अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो उसके ऊपर ये ध्यान देता है क्राइम पॉवर्टी एंड अदर सोसाइटल इश्यूज को कम करने में प्रिवेंट करने में ये हेल्प करता है इंस्टीट्यूशंस को यूज़ करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, के थ्रू हम सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल रिफॉर्म्स हम कर सकते हैं ठीक तो ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एजुकेशन का एम है हिस्टोरिकल एग्जाम्पल अगर देखें तो स्पार्टन एजुकेशन जो था वो फोकस करता था ग्रुप वेलफेयर ये जनरली हमारा क्या था डिफ़ेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड था फिर धीरे सोशल तो वेलफेयर को आया सोशल एडवांटेज के लिए एजुकेशन वहाँ पे फ्लोरिश किया ठीक तो सोशल एम्स इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है तो दोनों ही पर्सपेक्टिव यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरऑल पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो एजुकेशन फोस्टर करता है पार्टिसिपेशन को सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर में पर्सनल कमिटमेंट के थ्रू सोशल रिफॉर्म के लिए सोशल रिफॉर्म के लिए एक इंसान जब एक इंसान के अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है इसको फोस्टर करता है कौन एजुकेशन सो फ्रेंड्स यही ख़त्म होता है अपना यूनिट टू डीपली हमने पढ़ा है ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हमने छोड़ दिया है ऐसा कुछ है जितना आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है और इसी को आप यूज़ करके सब्जेक्टिव uh, अपना जो एग्ज़ाम है उसको आप लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग्स में आप लिख सकते हैं इसमें जो सारे सब हेडिंग्स दिया हुआ है या हेडिंग्स टाइटल्स दिया हुआ है उसके अंदर जो भी सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है उसी को आ, आप एलेबरेट तरीके से अपने वर्ड्स में लिख के आराम से आप अपना uh, जो तो पी का जो एग्ज़ाम है उसमें आप आराम से लिख सकते हैं उसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से आपको मार्क्स आएंगे सेवेंटी परसेंट एट्टी परसेंट के आसपास आपको मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पास वाले बेलाइकन को दबाना मत भूलिएगा ठीक दैन बाय टेक केयर -क्या हैव हाँ अ गुड डे